हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कई लोगों को इस मौसम में अक्सर ही थकान और सुस्ती की शिकायत रहती है। इस वजह से किसी भी काम में मन नहीं लगता। इस थकान के पीछे नींद पूरी ना होना, अंदर से एनर्जी महसूस ना होना, ख़राब डाइट जैसी वजहें हो सकती हैं। हर वक्त थकान रहना इस बात का भी संकेत देता है कि शरीर में किसी ज़रूरी विटामिन की कमी है। आमतौर पर ये लक्षण विटामिन की कमी की वजह से होते हैं। शरीर में विटामिन की कमी को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, लगातार सुस्ती और थकावट की वजह से आपको भी अगर काम करने में दिक्कत हो रही है तो आप कुछ विटामिन की कमी हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे दोस्तों, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी। विटामिन B12 की बात करें तो शरीर में रक्त कोशिकाओं और DNA को बनाने के लिए विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। मजबूत नर्वस सिस्टम के लिए भी विटामिन B12 बहुत जरूरी है। शरीर में विटामिन B12 की कमी से हर समय थकान और कमजोरी बनी रहती है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे विटामिन B12 की कमी से शरीर में ब्लड सेल्स नहीं बन पाते और जिसकी वजह से हर समय थकान महसूस होती है। विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए या तो आप अपने डाइट में सुधार कर सकते हैं या कुछ मेडिसिन हैं आप देख सकते हैं। आप इसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। या दोस्तों, आप विटामिन डी की बात कर लेते हैं तो विटामिन डी शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन डी दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, विटामिन डी का सीधा असर इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है। इसकी कमी से शरीर में हमेशा सुस्ती बनी रहती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत धूप होता है। और भी इसके जो है स्रोत होते हैं जिसका आप सेवन करके विटामिन डी अपने शरीर में भरपूर मात्रा में ले सकते हो। और दोस्तों, इसके लिए भी कुछ मेडिसिन हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन का यूज कर सकते हो। और दोस्तों, बात करते हैं विटामिन सी की, तो विटामिन सी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जाना जाता है। स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद है। विटामिन सी की कमी का पहला लक्षण ज़रूरत से ज़्यादा थकान महसूस होना है। खट्टे फल, कीवी, अनानास, पपीता या कुछ भी स्ट्रॉबेरी, तरबूज, आम में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। इसका भी सेवन करके आप अपने शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी ले सकते हो। या फिर आप इसकी भी कुछ मेडिसिन है जिसका उपयोग करके आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इन मेडिसिन का उपयोग करके आप जो है अपने शरीर में विटामिन सी की मात्रा को आप मेंटेन कर सकते हो। और दोस्तों, ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों के शरीर में एनर्जी की कमी होती है तो हम लोग जो है कुछ एनर्जी पाउडर आते हैं मार्केट में, जैसे आप देख सकते हैं एनर्जॉल हुआ, एनरॉन हुआ, ग्लूकॉन डी। हम इसको पी करके जो है शरीर में अपने एनर्जी को मेंटेन करते हैं, बट ये ज़्यादा समय के लिए नहीं चल पाते हैं। ये हमें कुछ घंटों के लिए ही एनर्जी दे पाते हैं। विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी का आप सेवन दो तरीक़ों से कर सकते हो, या फिर आप अपने डाइट से कर सकते हो, या फिर आप मेडिसिन के द्वारा कर सकते हो। आप जो है विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी का सेवन मेडिसिन के द्वारा कर सकते हो। मेडिसिन में इन विटामिन के कंटेंट उचित मात्रा में होते हैं। इससे जो है आप अपने शरीर से थकान, कमजोरी और सुस्ती को दूर कर सकते हो। और दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।